हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय शर्मा। आज मैं आपके साथ एक और वीडियो बाइल प्लांट की शेयर करने जा रहा हूँ। प्लांट का नाम है वेलवेट बीन, बोटैनिकल नेम उसका है म्यूकुना प्रूरियनस। एक्चुअली इस प्लांट को हमारे लोकल लोग है, जो गांव में लोग है, कौंज फली के नाम से जानते हैं। पंजाब में ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा फेमस है कौंज फली के नाम से। तो ये प्लांट इतना फेमस क्यों है? ये वाइल्ड प्लांट है, एक्चुअली इट्स नॉट अ प्लांट, ये एक बेल है। बेल की तरह होता है, इस पे पोड लगते हैं। इट बिलोंग्स टू फैमिली फेबिएसी, लाइक फेबिएसी फैमिली जैसे लेग्यूम फैमिली, ये जिसमें मटर आते हैं, मटर की फैमिली को ये बिलोंग करता है, उसकी तरह इसके पोड होते हैं। आप इसकी फोटो बेल की देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये इसके पोड है। इसकी सबसे खास बात ये है, इसके पोड्स के ऊपर बहुत ही फाइन स्पाइन्स होते हैं, कंडे। इसी स्पाइन की वजह से हमारे लोकल एरिया में लोग इसको जानते हैं, इसको हम कहते हैं कोंजफली। इसकी क्या खासियत है, ये जो फाइन स्पाइन है इसके पोर्स के, इसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है, अगर ये स्पाइन्स आपकी बॉडी को टच करते हैं, जिससे आपकी बॉडी में खारिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही खारिश स्टार्ट होती है, आप उस जगह पे खारिश करोगे, जहां जहां आपकी पूरी बॉडी में आपका वो हाथ लगेगा, वहां वहां आपको खारिश स्टार्ट हो जाएगी। थोड़े ही टाइम में, 5-10 मिनट में ये खारिश आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगी, और ये बहुत अनबियरेबल होती है खारिश की पेन। तो गांव में तो इसका एक ही इलाज है, तो गांव में हम इसका इलाज कैसे करते हैं? एक्चुअली अगर ऐसे किसी को ये कोंजफली लग जाए, अगर उसके खारिश स्टार्ट हो जाए, तो उसको गोबर से, गाय या भैंस का या बकरी का, किसी का भी गोबर हो, गोबर को पूरी बॉडी पे या उस जगह पे मलते हैं, जिससे इसकी खारिश से हमें आराम मिलता है। ये है जिस वजह से हम इसको जानते हैं, कोंजफली को, वेलवेट बीन को। बट इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज हैं, बहुत सारे फायदे हैं, जिससे हम अननोन है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि इस प्लांट्स की कितनी वैल्यू है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्लांट इज। चलो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। सो स्टार्टिंग स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो इट्स नोन एज वेलवेट बीन, इट बिलोंग्स टू फेबिएसी फैमिली, मींस मटर की फैमिली, जो दालों की फैमिली है उसको ये बिलोंग करती है। इंग्लिश में इसको कोविच और काओवेज भी कहते हैं। मोस्टली इट ये ग्रो होती है एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, पैसिफिक आइलैंड्स, इस कॉन्टिनेंट की कंट्रियों में ये पाई जाती है। इट इज बेस्ट नोन फॉर अबंडेंट लॉन्ग स्टिंगिंग हेयर, दैट मीन्स जो ऐसे कंडे इसके पोर्स पे होते हैं, ये ज्यादातर उसके लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में खारिश होती है। जैसे ही कोई भी ह्यूमन इसके टच में आता है, उसकी वजह से बॉडी में खारिश स्टार्ट हो जाती है। इसका रीजन है एक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। इन स्पाइन्स में एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, जिसको म्यूकिनिन कहते हैं, जिसकी वजह से ये खारिश होती है। ये बहुत सारे इचिंग पाउडर जो मार्केट में अवेलेबल है, ये इसका मेन कंपोनेंट होता है। सो दिस पोर्स आर यूज्ड फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ इचिंग पाउडर, यानी कि खाज करने वाले पाउडर बनाने के लिए इसके पोर्स की यूज किए जाते हैं। इट इज वाइड, ये बहुत सारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है, खुश्क एरिया में ज्यादा होता है, ठीक है। इट इज अ क्लाइंबिंग लेग्यूम ओरिजिनली फ्रॉम चाइना, माना जाता है जो इसका ओरिजिन हुआ है इस प्लांट का, वो साउथ चाइना से हुआ है। इट इज पहले क्या करते थे लोग इसको, इट इज वाइडली कल्टिवेटेड एज ए ग्रीन वेजिटेबल क्रॉप। हम सिर्फ इसको खारिश की वजह से जानते हैं, बट लोग इसको एज ए वेजिटेबल की वजह से भी इसकी खेती करते थे। इट हैज ग्रेट पोटेंशियल, ये बोथ एज ए फूड भी यूज किया जा सकता है, एज ए फूड एज ए मेडिसिन। इट्स पोड जो इसके फलियां होती हैं, उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज किया जा सकता है। जंग जो इसके लीव्स है, वो एनिमल फोडर के तौर पे काम किए जा सकते हैं। इस बेल को एज ए ग्रीन मैन्यूअर, खाद बनाना, जैसे हम बहुत सारी लेग्यूम प्लांट हम खेत में बीज देते हैं, जिससे उनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, सेम पर्पज वेलवेट बीन का भी होता है। वेलवेट बीन की रूट्स में बहुत सारी नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं,
जो के खेत की प्रोडक्टिविटी को या फील्ड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो यूज एज ए ग्रीन मैन्यूर। सो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करूंगा इसके ट्रेडिशनल यूजेस। ट्रेडिशनल यूजेस क्या होते हैं, जिनके पुराने समय में जा अभी भी प्रेजेंटली इस प्लांट को किस किस चीज के लिए, किस मेडिसिन एज ए मेडिसिन या किस डिजीज के लिए यूज किया जाता है। इट इज ये इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। ये इसके जो पोड्स होते हैं, बीन पोड के अंदर सीड्स होते हैं, फली के अंदर सीड होते हैं, जैसे मटर के पोड के अंदर मटर होते हैं, ऐसे इसकी फली के अंदर सीड्स होते हैं। इसके सीड्स बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे मेल इनफर्टिलिटी, मेल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आयुर्वेदा में इसके पोड्स को यूज किया जाता था। बहुत सारे हमारी जो नर्वस डिसऑर्डर है उनको ठीक करने के लिए इसके पोड्स को यूज किया जाता था, सीड्स को। एंड अर्थराइटस, जो जोड़ों का दर्द है, गठिये के इलाज के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका यूज है, जो ट्राइबल कम्युनिटी जो लोग इंटीरियर में रहते हैं, लाइक पहाड़ों में, जंगलों या किसी भी एरिया में इंटीरियर में रहते हैं, तो वो इसका यूज करते थे स्नेक बाइट को ठीक करने के लिए। मान लो आपको किसी सांप ने काट दिया या किसी स्कॉर्पियो ने काट दिया, उसके पॉइजन को खत्म करने के लिए लोग इसके सीड के पेस्ट, सीड निकाल के उसका पेस्ट बना के उस पे लगाते थे। उनका मानना था ये उसका जहर चूस लेता है। इस पे साइंटिफिक स्टडी भी हुई है एंड ये माना गया इट इज इफेक्टिव। नाजा स्पीसीज मींस कोबरा के जहर के अगेंस्ट इसकी स्टडी की गई है, स्केल वाइपर के अगेंस्ट, मलयालन पेट वाइपर एंड क्रेट। ये बहुत ही जहरीले सांप होते हैं, इनकी जो जब ये किसी को डस लेते हैं उनको इसके पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पोड का सीड का पाउडर जो है यूज किया जाता है। तो बीन इफ अप्लाइड एज ए पेस्ट, अगर इसका पेस्ट बना के स्कॉर्पियन की बाइट पे जहां बिच्छू ने काटा है वहां लगा दिया जाए, ये पूरे पॉइजन को वहां से बाहर निकाल देता है। ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में। जो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसके पोर्स का, वो है ये यूज होता है पार्किंसन डिजीज की क्यूर के लिए। अब पार्किंसन डिजीज क्या है? पार्किंसन डिजीज हमारी ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। उसमें क्या होता है, हमारी न्यूरॉन होते हैं बॉडी की, जो नर्व्स होती हैं ब्रेन से आती हैं, उनमें से एक हार्मोन होता है, हम उसको न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर वो केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में मैसेज का काम करते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, किसी भी पार्ट से दिमाग को या दिमाग से किसी और पार्ट को अगर कोई मैसेज देना है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू दिया जाता है। तो हमारी जो नर्व्स है, जब उसमें डोपामाइन एक हार्मोन और न्यूरो ट्रांसमीटर है, जब उसकी रेगुलर या प्रॉपर रिलीज नहीं होता तो वो पार्किंसन डिजीज का कारण बनता है। तो इसके जो सीड्स हैं उसका अगर पाउडर बना के खाया जाए, वो बहुत सस्ता होता है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है। वैसे तो पार्किंसन डिजीज की जो इलाज है बहुत कॉस्टली है। जो गरीब कंट्री है या इंटीरियर ट्राइबल पीपल है, या आयुर्वेदा में क्या करते थे, इसके पोर्स को सीड पाउडर को एज ए ट्रीटमेंट यूज करते थे पार्किंसन डिजीज के अगेंस्ट। इसका रीजन क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसके जो सीड्स होते हैं उसमें एल डोपा नाम का एक केमिकल होता है। एल डोपा नाम का केमिकल होता है। ये एल डोपा क्या है, एल डोपा एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है। हमारी बॉडी में एल डोपा को डोपा अमाइन में कन्वर्ट किया जाता है। डोपा अमाइन क्या है, अमाइनो एसिड है, फिनोलिक अमाइनो एसिड है, जो काम करता है न्यूरो ट्रांसमीटर का। सो दिस इज दी चीपेस्ट मेथड टू क्यूर दी पार्किंसन डिजीज। इसके अलावा हमारे इंडिया के मॉरिशियस और साउथ इंडिया के जो हिली एरियाज हैं वहां पे लोग इसको बहुत ज्यादा ग्रो करते थे एज ए वेजिटेबल, बिकॉज जो इसके सीड्स हैं, मटर जितने जो अदर हम कोई भी दाल यूज करते हैं, वैसी ही न्यूट्रिशनस वैल्यू, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसके पोर्स
पोड की भी, बट द थिंग इज दैट इसके जो पोड है उसमें एंटी मेटाबोलाइट कुछ टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, हम इनको एज सच इसके सीड्स को नहीं कंज्यूम कर सकते, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम ज्यादा मात्रा में उसको क्या है कंज्यूम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम इसके सीड्स को बहुत ज्यादा पानी में बार बार बॉयल करते हैं, जब हम बार बार इसको बॉयल करते हैं जो इसके टॉक्सिन कंपाउंड है वो बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद हम इसको एज ए फूड हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके पत्तों को हम भेड़ बकरियों को चरा सकते हैं, एज ए फोडर यूज हो सकता है, ठीक है, एज ए ग्रीन मैन्यूअर हम खेत में इसको उगा के खेत में ही अगर इसको द्वारा बहाई कर दे या हल चला दे जिससे इसको खेत मिट्टी में ही मिला दे, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी जमीन की बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मैं करूँ सप्लीमेंट वाइज कि हम इसको कैसे लेना है अगर हमें पार्किंसन डिजीज को ठीक करना है, 5 ग्राम आपने वेलवेट बीन ड्राई पाउडर लेना है, ठीक है, आप ले सकते हो, ठीक है, अगर आप किसी को पार्किंसन डिजीज है, और अगर किसी को फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, मान लो किसी की मेल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी है, उसके मान लो सेक्सुअल सिस्टम यानी कि हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करते, जो हमारा डोपामाइन है, डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, दैट्स वाई हम इसको पार्किंसन डिजीज और मेल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए इसके पोर्स को हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको बात करूंगा, ये तो थी बात सिर्फ पार्किंसन डिजीज की, अब मैं बात करूंगा फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल यूज तो हो गए, जो लोग इसको पुराने टाइम में कैसे यूज करते थे, जो साइंटिफिक स्टडीज है उसके अकॉर्डिंग व्हाट आर दी फार्माकोलॉजिकल यूजेस, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया एल डोपा इसका मेन कंपोनेंट है जो पार्किंसन डिजीज के लिए यूज होता है, इसके अलावा दिस प्लांट हैव नेमेटिसाइडल इफेक्ट, एलिलोपैथिक मीन जहाँ भी इस बेल को उगाते हैं हम। अब एलिलोपैथिक क्या होता है मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, जैसे अगर आपने सफेदे का प्लांट देखा होगा, सफेदे के नीचे और कोई दरख्त या घास नहीं उगता, किसी भी प्लांट की जो कैपेबिलिटी है दूसरे प्लांट को ग्रो ना करने देने की उसको एलिलोपैथी कहते हैं। सो इसकी एलिलोपैथिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, एंटी न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है, एनाल्जेसिक यानी कि पेन को रिलीव करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर हमारी बॉडी में कहीं सूजन है उसको ठीक करने में ये एक्ट करता है। तो फार्माकोलॉजिकली जे प्रूवन है इट हैव एंटी वेनम, एंटी माइक्रोबियल, न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटी डायबिटिक एंड एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, ये इसकी फार्माकोलॉजिकल यूजेज है। अब मैं बात करूंगा न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो ये जो इसके पोड है दे आर एज मच न्यूट्रिशनल एज अदर लिग्यूम प्लांट, लाइक जितनी बाकी दालों की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उतनी ही इसके पोर्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बट इसमें एंटी मेटाबोलाइट थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर लेग्यूम्स, जिसकी वजह से ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, बट अगर हम इसको अच्छे से ट्रीट करें तो हम इसको खा सकते हैं। इसमें एल्डोपा का जो कंटेंट होता है 5% होता है, ठीक है, डाइट्री प्रोटीन होते हैं 25-30% इसमें प्रोटीन होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, पार्टिकुलरली जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, हमें पता है 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। तो इसमें जो दो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं वो इसमें प्लांट में पाए जाते हैं। इससे अलावा ये इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर है, फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड, ओलिनोलिक एसिड, बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। इट इज़ आल्सो अबंडेंट सोर्स ऑफ विटामिन, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन भी पाए जाते हैं। अफ्रीका में लोग क्या करते थे, पहले टाइम में कॉफ़ी इतनी फेमस नहीं थी, लोग इसके सीड्स को पोड में से सीड निकाल लेते थे, उसको रोस्ट करते थे, रोस्ट करने के बाद उसके पाउडर को एज ए कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट यूज़ करते थे, जिसकी वजह से इस प्लांट को अफ्रीका में नेस कैफे भी कहा जाता है। तो अब ये तो थी बात इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, अब न्यूट्रिशनल वैल्यू के बाद मैं बात करूंगा इसकी फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की, कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड जो है पाए जाते हैं। अब फाइटोकेमिकल कंपोजिशन में मैकुना स्पीसीज में बहुत सारे टॉक्सिन पाए जाते हैं, टॉक्सिन के अलावा एल्डोपा पाया जाता है, ठीक है, हेलोसिनोजेनिक
ट्रिप्टामाइन पाए जाते हैं जो बॉडी को एलिवेट करते हैं, बॉडी फंक्शनिंग को एलिवेट करते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बहुत सारे होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं, टैनिन पाए जाते हैं। एल्डोपा को तो मैं पहले बता चुका हूँ, 5% कंटेंट होता है एल्डोपा का। इससे अलावा मिथाइलेटेड एंड नॉन मिथाइलेटेड टेट्रा हाइड्रोक्विनोलोन्स होते हैं इसमें। तो जो जो भी इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो हमारी बॉडी में हम डिजीज के लिए यूज करते हैं, दैट इज मेनली रिवॉल्व अराउंड एल्डोपा कंटेंट जो इसमें होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पॉलीफिनोल होते हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर होते हैं, फाइटेट होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, ये टॉक्सिक क्यों है? इस प्लांट पोड्स में, सीड्स में साइनोजेनिक जो है ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, ये ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलाइज होके साइनाइड बनाते हैं हमारी बॉडी में। जो साइनाइड है वो बहुत ही जहरीले, अगर दुनिया में कोई सबसे जहरीली चीज है वो है साइनाइड। अभी तक इसका किसी ने टेस्ट भी नहीं किया। अगर आप गलती से भी साइनाइड को अपनी जीभ से लगाते हो, विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपकी डेथ हो जाएगी। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हम यूज नहीं कर सकते, पर इसको रिमूव कर सकते हैं। साइनाइड कंटेंट बहुत कम होता है। वैसे अगर मैं बात करूं एप्पल के जो सीड होते हैं उसमें भी साइनाइड होते हैं काफी ज्यादा, पर उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। इससे अलावा इसमें ओलिगोसक्राइड होते हैं, सेपोनिन, लैक्टिन एंड एल्केलॉइड होते हैं। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, म्यूकोनिनाइन, म्यूकोनिडाइन, प्रूरीइन, ये चार मेन एल्केलॉइड है जो इस प्लांट में पाए जाते हैं। सो हमारे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है एल्डोपा। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हो ये है एल्डोपा की स्ट्रक्चर, ये जो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। ये है हमारी बॉडी का मेन हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। तो ये डोपामाइन बनता कैसे है? जब हमारी बॉडी में एल्डोपा, अगर हम इसके सीड को कंज्यूम, पाउडर को कंज्यूम करते हैं, उससे हम क्या होता है हमारी बॉडी में एल्डोपा जाता है। एल्डोपा हमारी बॉडी में बहुत सारे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं जो इसको डीकार्बोक्सिलेज करके इसको एल्डोपा को डोपामाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डोपामाइन इसकी जो मेन एक्टिविटी हमारी बॉडी में अगेंस्ट पार्किंसन डिजीज या कह लो मेल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, वो एल्डोपा की वजह से होती है। इसके अलावा इंडस्ट्री में क्या यूज है? हिमालय के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें बेलवर्ड बीन के सीड यूज होते हैं। अदर बहुत सारी कंपनी है जो इनका पाउडर आता है, सप्लीमेंट आते हैं, ये आप देख सकते हो। ऑर्गेनिक इंडिया की आती है, पतंजलि का भी आता है। इसके अलावा डोपामुक्विन, ये बहुत ही सस्ता जो है एल्डोपा का सोर्स है जो हम पार्किंसन डिजीज के लिए ठीक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं करूं टॉक्सिसिटी की बात, इसके बाद अगर मैं बात करूं टॉक्सिसिटी की, सो लाइक मोस्ट लिग्यूम इट आल्सो कंटेन वेरियस एंटी न्यूट्रिएंट। ऐसा नहीं है कि यही प्लांट है जो टॉक्सिक है। जो अदर दालें हैं, अगर आप दालों को ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दो, आपकी जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, बहुत सारी और प्रॉब्लमें आ जाती हैं। तो टॉक्सिक वो भी है, बट इसकी टॉक्सिसिटी कुछ अलग टाइप की है। इसमें टैनिन होते हैं, तो टैनिन क्या करते हैं, टैनिन हमारी बॉडी में प्रोटीन के साथ बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, पेट में डाइजेशन अच्छा नहीं होता। ट्रिप्सिन इनहिबिटर है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो एंजाइम है उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसमें फाइटेट होते हैं, फाइटेट क्या करते हैं, फाइटेट हमारी बॉडी में जो मिनरल है उनको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो हमारे में मिनरल की कमी हो सकती है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है वो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड लेंगे, ये हाइड्रोलाइज बॉडी में होते हैं तो साइनाइड बनाते हैं, साइनाइड बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। इसके अलावा लैक्टेन एंड ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड क्या है, स्टमक गैस, हमारी बॉडी में जो गैस की प्रॉब्लम है उसको क्रिएट कर देते हैं। बट अगर मैं बात करूं इन कंक्लूजन, मैं कहता हूं देखो इतने सारे इसके ये टॉक्सिक है, कब टॉक्सिक है, अगर हम इसको बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। अगर हम इसको लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो ये टॉक्सिक नहीं है। तो एक ये एक वरदान है, ये एक मेडिसिनल प्लांट एक्ट एज ए जो हमारे लिए भगवान का गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है। बट ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं बट हमें उनका पता नहीं है। अब देखो कौनजफली हमारे
गांव में या लोकल विलेजेस में बहुत ज्यादा होती है। अब हमें तो पता नहीं था इसकी वैल्यू, हम तो इसको बस, हमें ये पता था, मैं भी जब छोटा था मुझे यही पता था कि इससे खारिश होती है, भाई इससे दूर रहना है, इससे ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। बट अब मैंने आज आपको बताया, देखो इस कंक्लूजन, इट इज नेचुरल सोर्स ऑफ एल-डोपा, तो पार्किंसन जो हमारी डोपामाइन को बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। इसके अलावा ये हमारा फिजिकल बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेटर। देखो अगर ये हमें डोपामाइन प्रोवाइड करा रहा है, डोपामाइन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, तो हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस उतने फास्ट हो जाएंगे, तो ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को फास्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इम्प्रूव एनर्जी एंड एंडोरेंसेस। सो कंक्लूजन क्या है कि इस प्लांट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च अभी भी होनी बाकी है। सो प्रेजेंट हम ये कह सकते हैं कि जो इसके फायदे हैं डोपामाइन के हैं, मेडिसिनल या ट्रेडिशनल यूजेज हैं, उसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। दिस कैन एक्ट एज ए माइरेकल प्लांट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट हो सकता है, इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। हमारी दुनिया में बहुत सारे प्लांट, देखो हमें अगर कोई डिजीज है, कोई भी बीमारी है, नेचर ने उसका तोड़ हमें दिया है, बट हमें क्या करना है, हमें उस तोड़ को ढूंढना है। सो उस तोड़ को ढूंढने में ये एक पार्ट है बेलवर्ट बीन, जो हमारी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को ठीक करने में बहुत ही बेनिफिट है। सो दोस्तों आज मैंने देखो आपको बताया कि एक वो प्लांट जिसको हम सिर्फ खारिज या खुजली की वजह से जानते थे, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा। इससे जो अगली वीडियो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी पिकली पियर पे, छितर थोर पे, सेकंड कोंच फली पे, इससे अगली जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा ग्रूना पे। ग्रूना क्या है, एक वाइल्ड श्रब है जो जंगल में ऑल ओवर इंडिया पाई जाती है, उसमें बहुत सारे बेरीज, ब्लैक कलर के फ्रूट्स होते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में उसको ग्रूना कहते हैं, उसके कितने फायदे हैं, वो भी एक बहुत ही माइरेकल प्लांट है, आप यू कांट अमेजिन कि उसकी कितनी सारी बेनिफिट्स हैं हमारे लिए उस प्लांट के, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये है रेफरेंसेस एंड लिंक, अगर आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हो, आप इन रेफरेंसेस पे रिसर्च आर्टिकल जो पब्लिश्ड है, जहाँ ये लिंक है यूट्यूब विकिपीडिया पे लिंक होते हैं इसके बारे में, बेलबर्ड बीन के बारे में आप और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो। जो भी मैंने आपको बताया, आई मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, गूगल पे भी, हर जगह पे पेपर पड़े हैं, उसके बाद कंक्लूड करके निचोड़ जो इन रिसर्च का, वो मैं आपके साथ वीडियो के जरिए शेयर करता हूँ। आप किसी को भी कोई डाउट है, आप इन साइट्स पे जाके, जा इन रिसर्च पेपर में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर हो सके तो इसको शेयर करो, ये ऐसी नॉलेज है, नॉलेज क्या है, बांटने से बढ़ती है, मेरे को इन चीज़ों का पता है, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों को बताऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप दूसरों से शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि हम बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज हम घर बैठे नेचर के साथ इंटरेक्ट करके कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद।